राजस्थान भारतीय जनता पार्टी से अलविदा कहने वाले मानवेंद्र सिंह कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। बीजेपी उनके बारे में क्या कहती है, आइए सुनते हैं। गहलोत साहब ने भी इस बात को रिपीट किया है, तो कैसे कोई और भी नाराज चल रहे हैं? मेरा ये मानना है कि जो नेता या जो व्यक्ति कांग्रेस में जाने को आतुर है वो हमारा नेता तो है ही नहीं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्होंने ऐसी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। राव साहब, मेरा सवाल यह है कि जब से लोकतंत्र में राजतंत्र खत्म हुआ है, राजघराने वाले राजपूत लोग अपनी दबदबा बनाने के लिए राजनीति पार्टियों पे विभिन्न तरह के दबाव बनाने लगे, ऐसा क्यों? क्या उनको कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरा राजतंत्र चल जाने से अब लोकतंत्र को ही अपना राजतंत्र बनाना चाह रहे हैं राजपूत खानदान? आपकी ये सोच कहीं में कहीं व्याकरण में त्रुटि प्रदान करती है। मेरा मानना है कि राजस्थान की जनता इतनी परिपक्व है कि इस प्रकार की किसी सोच को शादी प्रदान नहीं करती, उसको वस्तु स्वरूप में प्रतिपादित करने का तो कहीं कोई अंश ही नहीं। रामपाल जाट ने भी आज आप मेरा ये मानना है हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है वो किस राजनीतिक दल में जाए या न जाए, इस प्रकार की किसी कृत पर टिप्पणी करना भी अपने आप को अपमानित करना महसूस करा। उन्होंने कहा कि मूंगफली के दाम, मूंगफली को लेकर बीजेपी में उनको सम्मान नहीं मिला, इसलिए आम आदमी पार्टी जाती। मेरे ख्याल से अपने विषय से भटक रहे हैं, इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया देना भी उचित नहीं। जसवंत सिंह जी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आप मानते हैं वो सही किया या गलत किया? देखिए, पार्टी जब भी कोई अपने सामूहिक रूप से निर्णय लेती है कोई एक चरण से टिकट डिसाइड नहीं होता, प्रदेश और केंद्र दोनों अपने स्तर पर कहीं न कहीं पूरा इस बात पर चर्चा कर विचार विमर्श करके कोई करता है। पार्टी का निर्णय कभी भी गलत नहीं होता, हो सकता है कुछ लोग बाग इसको गलत माने। बताया गया है कि मानवेंद्र सिंह लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध प्रत्याशी पिता जसवंत सिंह में चुनाव प्रचार करने के आरोप को अनुशासनहीनता मानते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित हो चुके हैं। एसपीएन 9 न्यूज़ रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।